हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाली गाड़ी टाटा एस गोल्ड डीजल प्लस को टाटा मोटर्स की तरफ से ही आने वाली दूसरी गाड़ी टाटा एस गोल्ड डीजल के साथ। यहां पर हम दोनों गाड़ियों के बीच अंतर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी गाड़ी में आपको कहाँ पर अंतर मिलता है और गाड़ियों में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको पता चल सके कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर विकल्प है। चलिए अधिक देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस कंपैरिजन वीडियो को। सबसे पहले हम दोनों गाड़ियों के इंजन को देखेंगे। टाटा एस गोल्ड डीजल प्लस में आपको 2 सिलेंडर 700 cc का डीजल BS6 इंजन मिलता है, जिसकी पावर आपको 14.7 kW की 3600 RPM में और टॉर्क यहां पर आपको 45 Nm का मिलता है, जो 1800 से 2000 RPM में मिलता है। वहीं टाटा एस गोल्ड डीजल की बात करें तो इसमें भी आपको सेम वही इंजन लगाकर दिया जाता है जो आपको टाटा एस गोल्ड डीजल प्लस में मिलता है। तो यहां पर आपको दोनों गाड़ियों के इंजन में कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम इंजन कंपनी की तरफ से लगाकर दिया जाता है। इंजन को कंपेयर करने के बाद अब हम दोनों गाड़ियों के क्लच एंड गेयरबॉक्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर टाटा एस गोल्ड के डीजल प्लस में आपको क्लच में सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन डायाफ्राम टाइप का क्लच मिलेगा। वहीं टाटा एस गोल्ड डीजल में भी आपको सेम वही क्लच सिंगल प्लेट ट्राई फ्रिक्शन डायाफ्राम टाइप का मिलता है। यहां पर आपको दोनों गाड़ियों के क्लच में तो कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता है। दोनों गाड़ियों में आपको सेम क्लच कंपनी की तरफ से लगाकर दिया जाता है। अब बात करें गेयरबॉक्स की तो टाटा एस गोल्ड डीजल प्लस में आपको GBS65 4x6.31 टाइप का गेयरबॉक्स मिलता है। वहीं टाटा एस गोल्ड डीजल में आपको GBS65 4S टाइप का गियरबॉक्स कंपनी की तरफ से लगाकर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको दोनों गियरबॉक्स में एक मेजर डिफरेंस यह देखने को मिलता है। अब आगे बात करें दोनों गाड़ियों के ब्रेक्स की तो टाटा एस गोल्ड डीजल प्लस और टाटा एस गोल्ड डीजल दोनों गाड़ियों में आपको सेम ब्रेक्स मिल जाते हैं। फ्रंट साइड में डिस्क ब्रेक्स और रियर साइड में आपको ड्रम टाइप के ब्रेक्स कंपनी की तरफ से लगाकर दिए जाते हैं। आपको दोनों गाड़ियों में ब्रेक्स में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। दोनों गाड़ियों में आपको सेम ब्रेक्स कंपनी की तरफ से लगाकर दिए जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे सस्पेंशन की। टाटा एस गोल्ड डीजल प्लस में आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन फ्रंट साइड में और रियर साइड में आपको सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन लगाकर दिया जाता है। वहीं टाटा एस गोल्ड डीजल में भी आपको सेम यही सस्पेंशन कंपनी की तरफ से लगाकर दिया जाता था। यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों में सस्पेंशन में लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, जो कि गाड़ी को मजबूती के साथ बहुत ही शानदार लोड कैरिंग कैपेसिटी प्रदान करता है। टायर्स की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में सेम टायर्स लगाकर दिए जाते हैं, जो साइज में भी सेम रहते हैं। टाटा एस गोल्ड डीजल प्लस में आपको 145 R12 LT के 8PR रेडियल वाले टायर्स मिलते हैं। वहीं टाटा एस गोल्ड डीजल प्लस में भी आपको सेम यही साइज के टायर्स कंपनी की तरफ से लगाकर दिए जाते हैं। तो यहां पर आपको टायर्स में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। दोनों गाड़ियों में आपको लगभग बराबर साइज के टायर्स लगाकर दिए जाते हैं। नेक्स्ट में फ्यूल टैंक कैपेसिटी को कंपेयर करें तो दोनों ही गाड़ियों टाटा एस गोल्ड डीजल प्लस और टाटा एस गोल्ड डीजल 30 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ मिलती हैं। दोनों गाड़ियों में यहां पर कंपनी की तरफ से सेम साइज के फ्यूल टैंक लगाकर दिए गए हैं। दोनों गाड़ियों में एक जैसे फ्यूल टैंक कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं। यहां पर आपको फ्यूल टैंक में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। अब आगे बात करेंगे हम परफॉर्मेंस की। आपको टाटा एस गोल्ड डीजल प्लस और टाटा एस गोल्ड डीजल दोनों गाड़ियों में मैक्सिमम ग्रेडिबिलिटी 27.5% की मिलती है। दोनों गाड़ियां लगभग सेम ग्रेडिबिलिटी के साथ आपको मिल जाती हैं। अब हम बात करेंगे वेट कैपेसिटी के। तो टाटा एस गोल्ड डीजल प्लस आपको 1675 kg के GVW के साथ मिलती है और पेलोड इसका 750 kg का रहता है। वहीं टाटा एस गोल्ड डीजल आपको 1670 kg के GVW के साथ और 750 kg के पेलोड के साथ मिलती है। तो यहाँ पर आपको दोनों गाड़ियों के ग्रॉस व्हीकल वेट में 5 kg का अंतर मिलता है। गाड़ियों के व्हीकल डायमेंशंस को देखें तो टाटा एस गोल्ड डीजल प्लस की ओवरऑल लेंथ आपको 3800 mm, विड्थ 1500 mm और हाइट 1845 mm की मिलती है। वहीं गाड़ी का व्हील बेस 2100 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का मिल जाता है। वहीं टाटा एस गोल्ड डीजल में आपको 3800 mm की लंबाई, 1500 mm चौड़ाई और 1842 mm की ऊंचाई मिलती है। व्हील बेस 2100 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm का मिलता है। तो दोनों गाड़ियों के ओवरऑल व्हीकल डायमेंशंस में आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है।
वो अंतर आपको हाइट में देखने को मिलता है। जहां टाटा एज गोल्ड डीजल की हाइट 1842 mm की मिलती है, वहीं टाटा एज गोल्ड डीजल प्लस की हाइट आपको 1845 mm की मिलेगी। तो यहां पर आपको 3 मिलीमीटर का अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट में लोड बॉडी डायमेंशंस को देखें तो टाटा एज गोल्ड डीजल प्लस की लोड बॉडी की लंबाई आपको 2200 mm यानी 7.2 फीट, चौड़ाई 1490 4.9 फीट और ऊंचाई 300 mm यानी कि 1 फीट की मिलती है। यही सेम लोड बॉडी आपको टाटा एज गोल्ड डीजल में भी मिलती थी। तो यहाँ पर आपको लोड बॉडी में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। दोनों गाड़ियों में आपको सेम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की लोड बॉडी मिल जाती है। तो अब हम बात करेंगे दोनों गाड़ियों के माइलेज की। तो टाटा एज गोल्ड डीजल प्लस और टाटा एज गोल्ड डीजल आपको दोनों गाड़ियों में 22 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल जाता है। दोनों गाड़ियों के माइलेज में आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। दोनों गाड़ियां आपको सेम माइलेज के साथ मिलती हैं। अंत में प्राइस की बात करें तो टाटा एस गोल्ड डीजल प्लस आपको लगभग 4.1 लाख से 5.63 लाख के एक्स शोरूम प्राइस में मिलेगी। वहीं टाटा एस गोल्ड डीजल आपको 3.99 लाख से 5.63 लाख के एक्स शोरूम प्राइस में मिलती है। दोनों गाड़ियों के प्राइस में आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है। अभी हमने आपको जो प्राइस बताया यह एक्स शोरूम न्यू दिल्ली का प्राइस था। अगर आप इन गाड़ियों का एग्जैक्ट प्राइस या फिर ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके नज़दीकी शोरूम अथवा नज़दीकी डीलरशिप में विजिट कर लीजिए, जिससे कि आपको इन गाड़ियों के बारे में एग्जैक्ट जानकारी मिल सके।